नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले जुबिलेंट फूड वर्क्स की। पिछले काफी दिनों से अगर देखा है तो पिछले नवंबर से ये स्टॉक गिर रहा है। 4600 का हाई लगाने के बाद में ये स्टॉक को 2570 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। क्या हुआ इस स्टॉक के अंदर में, क्यों गिर रहा है, क्या इसमें रिवर्सल का आने का कोई चांस बन रहा है, चलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जो लोग जुबिलेंट फूड वर्क्स को पसंद करते हैं उनके लिए वीडियो बहुत काम का आने वाला है। ये बिल्कुल भी बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, कोई टिप नहीं है, कोई एडवाइजरी नहीं है, जस्ट दी ऑब्जर्वेशन की मुझे क्या लग रहा है, मैं शेयर कर रहा हूं। दोस्तों ऐसे ही आप वीडियोस को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपकी लाइक्स और कमेंट्स मुझे मोटिवेट करती है ऐसे वीडियोस आपके सामने लेके आने के लिए। चलिए देखते हैं कि जुबिलेंट फूडवर्क्स क्यों गिर रहा है, सीईओ ने क्यों एग्जिट किया, आप इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जुबिलेंट फूडवर्क्स के जो शेयर्स ऑलमोस्ट 14-15% के आसपास गिर गए। कंपनी के बोर्ड ने कंपनी के सीईओ प्रतीक पोटा के रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि सीईओ के एग्जिट होने से डोमिनोज पिज्जा, डंकिन डोनट्स और पोपाई जैसे ब्रांड को क्या फर्क पड़ता होगा। आउटलेट्स तो चल ही रहे होंगे और ग्राहक भी कोई सीईओ का नाम देखकर थोड़ी ना ऑर्डर लेते हैं, लेकिन एनालिस्ट के हिसाब से सीईओ का एग्जिट एक रिस्क है, स्पेशली नाउ दैट ही हैड गाइडेड एन एक्सपेंशन प्लान फॉर ऑलमोस्ट 5 years। तो गाइस, अगर 5 साल तक कोई सीईओ अगर एक कंपनी को चला रहा है, एक्सपेंशन प्लान की बात कर रहा है, उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्न की बात है। कोई बात नहीं, फंडामेंटल्स अलग काम करते हैं, टेक्निकल्स अलग काम करते हैं, दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, बट हम टेक्निकल्स भी देखने की कोशिश करेंगे, हम फंडामेंटल्स भी देखने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में पूरे देखेंगे कि क्यों सीईओ ने एग्जिट किया, मिला है जुबिलेंट फूडवर्क्स को कोई सेटबैक, क्यों सीईओ ने ऐसे क्रूशियल टाइम पे डाला है अपना रेजिग्नेशन, और अब ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए जुबिलेंट फूडवर्क्स। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि देश के नंबर 1 फुल टाइम सर्विस ब्रोकर, जो अभी तक एक फुल्ली फंक्शनल फिनटेक कंपनी में ट्रांसफर हो चुकी है, मतलब एंजल 1 के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और फैसिलिटीज जानना चाहते हैं, जैसे 1 साल की फ्री एमसी, स्मॉल केस, स्मार्ट एपीआई, फ्लैट ₹20 पर ट्रेड ब्रोकरेज, पर्सनलाइज एडवाइजरी, एमटीएफ फैसिलिटी, तो आप प्लीज नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट एंजल में खोल सकते हैं और आज अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि मिस्टर पोटा ने रिजाइन किया क्यों। वेल, बिकॉज मिस्टर पोटा वांट्स टू परस्यू ए क्वासी एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो अभी भी जून 2022 तक कंपनी के साथ रहेंगे। लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद एक नेगेटिविटी से स्प्रेड हो गई है, क्योंकि एनालिस्ट के हिसाब से चेंज इन लीडरशिप इन द चैलेंजिंग मैक्रो एनवायरमेंट इज थ्रेटनिंग, स्पेशली जब मिस्टर पोटा प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रेंचाइज मॉडल ऑफ द कंपनी। जी हाँ, कंपनी को कहां तक एक्सपैंड किया मिस्टर पोटा ने, अगर ऐसा इंसान रिजाइन कर रहा है तो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। और यही रीजन है कि टॉप की रेटिंग एजेंसीज ने अब इस शेयर को डाउनग्रेड करके अंडरवेट और अंडर परफॉर्म की रेटिंग भी दे दी है। मोगन स्टैनली ने टारगेट प्राइस 5000 से अब 2250 कर दिया है और मैक्वायर ने 3550 से घटा के 2150। आफ्टर ऑल, मिस्टर पोटा को सीईओ विद मिडास टच माना जाता था, पर अब उनके बाद उनके जैसा कोई स्ट्रांग सक्सेसर कंपनी ढूंढने में टाइम लगाएगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे, क्या बॉटम बन रहा है, क्या यहां पे हमको डराया जा रहा है, क्या हम यहां पे कोई एंट्री बना सकते हैं, कोई पोजीशंस बना सकते हैं, पूरी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए। पहले थोड़ी सी न्यूज पे नजर डालते हैं। वेल, आपको बता दूं कि जुबिलेंट फूडवर्क्स की शुरुआत 1996 में हुई थी और आज उनके 1350 से भी ज्यादा आउटलेट हैं। जहां मार्च 2011 में कंपनी का रेवेन्यू 678 करोड़ था, वहीं मार्च 2021 में वो बढ़कर 3313 करोड़ हो गया। इन 10 सालों में जुबिलेंट का कैगर 17.19% रहा, विच इज फिनोमिनल। प्रॉफिट भी इन 10 सालों में 72 करोड़ से बढ़कर 233 करोड़ हुआ और प्रॉफिट का कैगर भी 12.41, विच इज वेरी वेरी फिनोमिनल। और अगर आप लास्ट 3 से 4 ईयर्स के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आरओई और आरओसी दोनों ही बढ़ते हैं। द रीसेंट आरओई इज 18.1% एंड आरओसी इज 16%। इवन आफ्टर द फॉल, द स्टॉक ट्रेड्स एट 60x फॉरवर्ड अर्निंग। द कंपनी हैज द बेस्ट इन क्लास इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फॉर आरओसी, स्टोर लेवल कैपेक्स पेबैक। यस दे डू। पिछले 5 साल की बात की जाए तो रिवेन्यू हैज ग्रोन एट अ ईयरली रेट ऑफ 6.68% वर्सेस द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 1.05% और मार्केट शेयर भी इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 27.85% टू 36.53%, विच इज वेरी वेरी कमेंडेबल। फंडामेंटल्स के हिसाब से तो कंपनी काफी अच्छी है। नेक्स्ट कौन बनेगा नया सीईओ और कैसे वो ड्राफ्ट करेगा कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स को, इज समथिंग वी एक्चुअली नीड टू वॉच आउट फॉर, उसको देखना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ एनालिस्ट का कहना यह भी है कि इट इज बेटर टू वेट ऑन द साइडलाइंस फॉर द अनसर्टेनिटी टू पास। अगर वो निकल जाती है अनसर्टेनिटी, उसके बाद देखेंगे क्या मौका दिखता है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में भले ही मैक्वायर का 2150 का टारगेट पहुंचे जुबिलेंट्स का शेयर, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग है ड्यू टू इट्स बिजनेस मॉडल एंड वेल नंबर्स एंड फिगर्स ऑन पेपर्स। और फिर कौन से सीईओ जाने के बाद कंपनी के शेयर्स ने बाउंस बैक नहीं किया और कौन सी कंपनी नहीं परफॉर्म करती है, किसी के आने से किसी के जाने से इतना फर्क नहीं पड़ता। टाटाज में जब
मैनेजमेंट चेंज हुई थी और आज टाटा की जो मैनेजमेंट है, देखिए कहां से कहां टाटा का ग्रुप चला गया है। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स भी एक अपने आप में बहुत ही शानदार कंपनी है, आने वाले लोग भी शानदार ही होंगे, कुछ ना कुछ नया और बेहतरीन होने वाला है मेरे हिसाब से। और सीईओ के जाने से चेंज होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ चेंजेस ही होते हैं, हर कंपनी से बाउंस भी किया, चाहे वो एप्पल हो चाहे इन्फोसिस, सभी ने मार्वलस रिकॉर्ड हासिल किया है। चलिए इसके चार्ट पे नजर डालने की कोशिश करते हैं। चार्ट को अगर हम डेली चार्ट पे देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं 2575 के आसपास का एक बहुत ही मेजर सपोर्ट पे आके स्टॉक दिख रहा है मुझे। अगर इस स्टॉक की अगर बात करें जो मैक्वायर ने 2100 की जो रेटिंग दी है, अगर 2100 की हम बात करें क्या 2100 ये स्टॉक आ सकता है, तो 2100 के आसपास में मेरे हिसाब से एक मेजर सपोर्ट रहेगा। पर यहाँ पे अगर 2500 का सपोर्ट टूटता है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे 2100 के घर को देखना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। बट उससे पहले बाजार का एक मेजर सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है 2400 के आसपास में। 2400 तोड़ता है, बड़ा शेयर है, हड़बड़ाहट में कोई सेलिंग आती है, पैनिक सेलिंग इसको 2100 अगर लेके आती है, तो मेरे हिसाब से मैं इसे पोजीशंस बनानी शुरू कर दूंगा। ये बिल्कुल भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन में नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं फिर पोजीशंस को देखने की कोशिश करूँगा। बट ऑन चार्ट अगर देखूँ डेली चार्ट में मुझे अब इसकी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं गिरावट थमने की कुछ न कुछ सूरत हालात दिखाई दे रही हैं। अगर वीकली चार्ट पे देखने की कोशिश करें तो वीकली चार्ट पे भी जो सपोर्ट्स हैं, 2150 का सपोर्ट जो मैक्वायर का है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है, पर उससे पहले फिलहाल 2500 के आसपास का सपोर्ट बहुत मेजर है। और 2400 उसके तत्कालीन सपोर्ट हुआ, 2300 का एक मेजर रेजिस्टेंस था जो एक सपोर्ट का काम करेगा ही करेगा। अगर ये सपोर्ट नहीं टूटता है तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाउंस बैक और 3000 के आसपास लेवल तक इसको वापस जाता हुआ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। बट देखना होगा आने वाले टाइम पे मैनेजमेंट कैसे आती है, कौन नया सीईओ आता है, क्या रहता है। बट ये जो स्टीप फॉल था, ये करेक्शन जो थी, ये जो क्रैश था स्टॉक में एक न्यूज़ के चलते, ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जरूर थमेगा। अच्छे स्टॉक्स हमेशा अच्छे होते हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ कि करेक्शंस एंड क्रैशेज आर एन अपॉर्चुनिटी, तो प्लीज ट्राई टू कैश ऑन दैम। सोचिए कौन सा स्टॉक क्यों गिर रहा है, क्या न्यूज है और कहां तक वो स्टॉक जा सकता है, हो सकता है एक जैकपॉट आपके सामने वेट कर रहा हूं। दोस्तों एक और अनाउंसमेंट की बहुत ही जल्दी डेली की मास्टर क्लास अनाउंस होने वाली है, मैं आपको उसका डेट टाइम शेड्यूल पूरा यूट्यूब पर दे दूंगा, तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। और हाँ, ऐसी मेरी नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आती है, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके लिंक को ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे रेगुलर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।